हमने क्या को कन्वर्ट करना है, आपको 10 मंथ इनटू डेज, डेज में कन्वर्ट करना है, 10 मंथ है। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं बेटा? मैम 30 या 31 डेज, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करके मान लो, हम करते हैं 1 मंथ 30 डेज, ठीक है। 10 मंथ कितना है? जब 1 दिया होता है और ज्यादा निकालना तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज और 10 मंथ निकालने को देखिए 10 इनटू 30 कितना आएगा, 300 डेज। क्लियर, समझ आया? अब है सेकंड, 15 मिनट्स इनटू सेकंड्स। अब 15 मिनट को सेकंड्स में चेंज करना है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, ठीक है। तो 15 में निकालने के लिए क्या करोगे, 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, हो जाएगा। ओके, थर्ड है 8 डेज इनटू आवर्स। 1 डेज में कितने आवर होते हैं बेटा, 24 आवर्स, वेरी गुड। तो 8 डेज में निकालने के लिए क्या करोगे, 24 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, 24 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 9 आवर इनटू मिनट, 1 मिनट में कितने, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। तो अगर 9 आवर में निकालने को क्या करोगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 9, वेरी गुड। योगेश आपको समझ आ रहा है, जीविका आपको बच्चे, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ सम, फिफ्थ सम, 4 इयर्स इनटू डेज, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। तो अगर आपको 4 इयर्स में निकालना है तो क्या करोगे, 365 से, और आपके पास डेज निकल आएंगे, ठीक है, समझ आया। सेकंड सम, फाइंड द पैरामीटर टू साइड्स आर 7.2 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज कॉल्ड द पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है बेटा, बताया था ना आपको, फोर्थ में व्हाट इज कॉल्ड पैरामीटर, मैम क्या लकी पैरामीटर क्या होता है बच्चे, व्हाट इज पैरामीटर, सर और पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। व्हाट इज पैरामीटर, पैरामीटर इज सम ऑफ ऑल साइड। तो अभी आपके पास क्या, देखो बेटा एक ट्रायंगल है, उसकी पैरामीटर क्या है, उसकी साइड लेते हैं 7.2 मीटर और क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, 4.6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो अगर आपको क्या करोगे मैम, प्लस प्लस मैम प्लस, हम कहेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, और तीनों साइड्स को आप क्या करोगे, प्लस कर दो, प्लस करके बताओ, प्लस करके दिखाओ बेटा, क्या आंसर आ रहा है आपका बच्चे, मैम
मैम 18.3 सेंटीमीटर. पैरामीटर क्या आया? 18.3 सेंटीमीटर. वेरी गुड. नेक्स्ट है 13 सम. पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हूज साइड्स आर 25 मीटर एंड 20 मीटर. अच्छा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 2 into length plus मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, प्लस. तो हम क्या करेंगे, 25 और 20 को पहले प्लस करेंगे. क्या आएगा 20 और 25 को प्लस करके, बताओ जल्दी. मैम 500 कितना आएगा? जो 500 योगेश ध्यान से बेटा, 2 मैम 45 मैम 45 उसमें कोई ऐसा सम है?